ओपन है आई लव आगरा पे के पॉइंट पे, और यहाँ पर तो गाइस अपन फाइनली ताजमहल के एरिया में आए गए हैं। तो टाइम देखो, इस टाइम अपन फाइनली पहुंच गए हैं भाई। सारा शॉपिंग करने का सामान, सारा कैब बैग सब मिल रहा है। तो फाइनली चलो अब अंदर चलते हैं ताजमहल के, और टिकट विकट लेते हैं और आगे जाके देखते हैं क्या है, और पूरा टूर करवाते हैं और अंदर जाकर देखते क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। तो अंदर चलते हैं। चलिए, ये है जो लिखा हुआ है ना, वेलकम टू ताज वेस्टर्न गेट फैसिलिटी सेंटर। तो यहाँ से आप एंट्री लो, और सामने लॉकर है, तो वो लॉकर में छोटा मोटा सामान रखाएगा, और आपको बड़ा लैगेज वगैरह रखना है थोड़ा आगे जाके वहाँ पर है। 20 रुपये लेता है पर बैग, वहाँ एक लॉकर का 20 रुपये लेता है, वहाँ पर रखवा सकते हो। सारा फैसिलिटी अवेलेबल है, और पानी आपको मालूम है फिल्टर पानी मिलता है फ्री में बिल्कुल ही। और यहाँ पर आपको दिखाते रहे एक चीज़, और ये चीज़ मतलब अलाउड नहीं है यहाँ पर खाने वाली चीज़ अलाउड नहीं है। देख लेना, ये चीज़ है एंट्रेंस गेट है। तो हम लोग अभी टिकट ले रहे हैं, तो अब चलते हैं अंदर, बहुत मज़ा आने वाला है। आपको यहाँ से टिकट, आप चाहे ऑनलाइन टिकट ले सकते हो, और वाईफाई आपको फ्री मिलेगा, फ्री वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल। यहाँ पर इसे स्कैन करो, ये लिंक खुलेगा, इसमें आप टिकट ले सकते हो ताजमहल की। और पर पर्सन 50 रुपीज़ है, और यहाँ पर आपको फ्री पानी भी है, वो भी फ़िल्टर का पानी है। और यहाँ से एंट्री है, और ये लॉकर रूम है, एक ये लॉकर रूम है गाइस, ये देखो लॉकर रूम, और एक आगे है, यहाँ फ्री पानी है। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ से टिकट ले आया था, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको ऑफलाइन टिकट लेना है तो ले लो यहाँ से, ये पर लो गाइस, ये बुकिंग काउंटर, ये कैश वाला लिखा हुआ है, और हमें लेना है बुकिंग काउंटर यहाँ से लेना है। हम लोग लेंगे सिंगल टिकट, और ये रहा जो जेंट्स का ये है, लेडीज़ का ये है, और गाइस ये यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये कि 15 साल वाले तक का टिकट नहीं लगेगा, 15 साल के ऊपर वाले का टिकट लगता है, वो भी 50 रुपीज़, ये ध्यान रखना। फाइनली अब अपन एंट्री किए हैं यहाँ से गाइस, यहाँ से अपन एंट्री हुए, एंड अब चलते आपको पूरा अच्छे से टूर करवाते हैं। बहुत गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला, बहुत ज़्यादा। और चलते आगे, और हमारा जो लगेज सब था हमने लॉकर में मतलब वो करवा दिया अच्छे से, और चलते अभी अंदर, अंदर का टूर देते हैं। यहाँ तो अभी का मौसम बहुत मस्त है, क्योंकि अभी धूप लाल धूप है नहीं, मौसम मस्त हो रहा है। देखो गाइस, ठंडा मौसम हो रहा है, और अभी थोड़ा क्राउड भी है, फिर भी क्राउड है, 50-50 है क्राउड अंदर। देखो भाई क्या मस्त हो रहा है, चलते अंदर। ये देखो कितना क्लीन है, क्लीन एंड मस्त हो रहा है। ये देखो गाइस, और ये देखो गाइस, तो व्लॉग में आप बने रहना, आपको आज पूरा ताजमहल पूरा टूर करवाने वाला है, बहुत मजा आने वाला गाइस। इसके लिए एक लाइक तो बनता है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। मैं मतलब सुबह से व्लॉग स्टार्ट किया हूँ, और मतलब मत पूछो टाइम, देखो बताओ 12:15 होने वाले हैं फिलहाल। देखो अब चलते अंदर, यस। अपन यहाँ से अंदर एंट्री ले रहे हैं, और सामने हमें दिख रहा है ताजमहल। ये देखो गाइस, कितना मतलब नेक्स्ट लेवल फील आने वाला है। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं, और यहाँ का आपको मैप दिखाता हूँ गाइस, कितना नेक्स्ट लेवल फील आ रहा है यहाँ का गाइस। मैप ये रहा, बीच में गाइस ताजमहल है, ये चेक कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। और यहाँ से अपन एंट्री लिए, ये देखो भाई गाइस, फाइनली हम ताजमहल के सामने हैं यार, मेरी की नहीं गाइस, पूरा एंगल आगे ताजमहल का। देखो, और पब्लिक यहाँ पर शायद ज़्यादा सब ज़्यादा खड़ी है। लो भाई साहब,
ताजमहल। आप अभी बिल्कुल ही ताजमहल के सामने हो यार, मतलब इसका रिएक्शन दिखाऊं आपको। और मेरे सामने जो है ताजमहल, जिसके लिए हम आए दिल्ली से आगरा, वो दिखाऊँ गाइस आपको मैं। 1 2 3 ये चेक करो गाइस, यो गाइस, गाइस इतना ऑसम लग रहा है आज का जो व्यू है। मतलब मौसम इतना मस्त है, ठंडा मौसम है बिल्कुल ही, बट ये थोड़ी गर्मी है बट मौसम ठंडा है। और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा क्राउड हो गया, यहाँ से सब पिक्चर्स ले रहे कैमरे वैमरे से, तो आप जो भी एक्सेसरीज मतलब कैमरा सब ला सकते, फ़ोन वोन सब अलाउ है गाइस। जाऊँगा मतलब चेक करो गाइस, क्या प्यारा सा लग रहा है, मतलब जो मैंने फ़ोटो में देखा था वो रियलिटी में है ऐसा, बहुत मज़ा गाइस। थोड़ा हम और आगे चलते हैं फिलहाल, और सामने वो देखो गाइस, वो भाई साहब मतलब इतने सारे सब है ना, ये देखो गाइस, ये भी एक एरा मैं आपको दिखा दी। और यहाँ पर ये देखो गाइस, और ये चेक करो, मतलब मैं कह रहा हूँ इस पर जैसे इसको बारह देख रहा हूँ ना, अलग फील आ रहा है इस पर गाइस, इस पर से नज़र नहीं हट रही, और बिल्कुल ही मेरे सामने। ओके प्लीज सर, ओ भाई साहब गाइस ये देखो। तो हम कितने करीब है ताजमहल, आगरा ताजमहल के मतलब, और सामने जो एरोप्लेन जा रहा है हमारे भाई, जाके फवारे देखो भाई, ये देखो भाई इतना कम पानी आ रहा है इसमें कम नहीं मतलब यहाँ के लिए बहुत है, हर जगह पानी आ गया, देखो ये देखो भाई, मौसम मस्त हो गया यहाँ पर, पब्लिक चेक करो भाई, है ज़्यादा भी क्राउड नहीं, बट यहाँ पर गाइस, यहाँ पर गाइस सब फोटो शूट कर रहे हैं गाइस। और यहाँ पर ये, यहाँ पर मतलब ये गाइस ये फ्राइडे को बंद रहता है, और आप जब भी आ सकते हो। और इसकी टिकट होगी आपको 50 रुपीज़ सिंगल बंदे का 50, और 15 से 15 तक का फ्री है, और 15 के बाद का एंट्री लगेगा 50 रुपीज़, और 15 तक के फ्री है। तो फिलहाल आप इंजॉय करते हैं। यहाँ पर क्राउड देखो, हम यहाँ गेट से आए थे एंट्री के, और अभी हम यहाँ पर हैं, और हम ये और चलते हैं आगे। ये अयान से पूछा कि अयान एक हम ताजमहल आए हुए हैं, तो ताजमहल चल छू के देखते हैं। अयान यहाँ पर ताजमहल छू के दिखा रहे हैं ना अयान भाई, अयान ताजमहल छू रहा है, देख छू हो, चलो तब ताजमहल छू लेते कि यार बहुत लोग दूर दूर से आते हैं ताजमहल को देखने, हम तो छू रहे भाई नया खेल यार पर सही है, एक ये होता है ना, हाँ भाई ताजमहल छू है हमने देखा है, गए हैं ताजमहल, तो ऐसा होता है। और आज कल मौसम भी थोड़ा और अच्छा हो रहा है, और हवा मस्त चल रही है, और सामने हमारा तो पहाड़ टाइप का, यहाँ तो गाइस 2-2 मिनट पे एरोप्लेन आ रहा है शायद, वो है क्या, हमें 3-4 एरोप्लेन हमने मैंने देख ही लिया, हमारे सामने ताजमहल है, तब एक अलग फील है बिल्कुल ही भाई, तगड़ा व्यू आई थी देखो भाई, थी देख रहे गाइस गाइस, थोड़ा इन प्रोग्रेस है, ये थोड़ा सा काम चल रहा है इसमें, और गाइस चेक करो गाइस, तो भाई भाई इसमें कुछ अभी अंदर कुछ काम हो रहा है, क्योंकि अभी वो लेबर लोग आते हैं बारह गेट खोल के जाते हैं, अलग गेट जो है अभी जस्ट बंद करके, अच्छा आपने ब्लॉग भी है पीछे क्लिप में देखा होगा, ऐसा हो सकता है, बट गाइस कमेंट करना होगा, अभी मेरे बाल सब थोड़ा ख़राब हो रहे हैं क्योंकि फिलहाल, और गाइस हमारे सामने ऊपर एरोप्लेन है गाइस, तो ऊपर ऐसे देखते ना भाई, हाँ भाई ये हो रहा है वो हो रहा है, बट हमारे सामने समुंदर है गाइस, मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस, 3-3 एरोप्लेन वो भी एक साथ, मेरा उधर ड्रैग रेस कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, सामने गाइस हमारे सामने बिल्कुल समुंदर है, मैं आपको समुंदर दिखाता हूँ, वो भाई साहब गाइस ये चेक करो, वो भाई साहब गाइस कौन समुंदर है कमेंट पे नाम बता देना, दूर दूर तक पानी है देखा, दूर दूर तक पानी है, हम बिल्कुल ताजमहल के बिल्कुल बैक साइड में देखना, पूरा पानी लेक है, और यहाँ पर ये शायद पानी था पर थोड़ा वो हो गई मिट्टी हो गई, देख रहे हो भाई मिट्टी हो गई, और यहाँ पर शायद बोटिंग वोटिंग का भी कुछ है, देखो वहाँ बोटर है,
बट अब चल नहीं रही, बहुत कोई खतरा है, मुझे तो लग रहा है बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई गाइस। देखो बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई गाइस, बहुत नेक्स्ट लेवल है गाइस। देखो ये चेक करो गाइस का जो भी ये तालाब को नदी का, वैसे अजनसी नदी का नाम बताना कमेंट में, इसको पता होगा तो। बात करनी थी जैसे कि ये जो आप जो इसे लेक कहो, समुंदर कहो, कुछ भी कहो, और ये दूर दूर आपको दिख रहा है इसका आधार हो, ये जो आपको दिख रहा है जो किला जो बना हुआ है किला, तो वहाँ तक का इनका है, जो हमारे जैसे शाहजहाँ थे वहाँ तक उन्होंने वो लगाया हुआ लाइन, मतलब इनकी बॉर्डर हो गई, वो जो दूर तक है इनकी बॉर्डर, वो वाली बॉर्डर भी दिखेगा इस, ये वाली रेड वाली दिखाई, ध्यान देखो रेड कलर की बॉर्डर है वो, मतलब वो इसलिए लगा हुआ है कि उनको पहचान रहे कि यहाँ तक कि मेरी जगह है ऐसा, मतलब कि जो भी आने वाले टाइम में जो भी रहेंगे उन्हें पहचान रहे कि यहाँ तक कि उनकी जगह है, जैसे ये लगा किला बना हुआ है वहाँ तक कि इनकी जगह है, शाहजहाँ की जगह है इतना, और इसके इतना ही लेक चल रहा था। ये गाइस मतलब ज़्यादा गहरा नहीं होगा, पहले कम ही होगा, बट इसमें लहर चल रहा है, देखो गाइस कितनी तेज लहर चल रही है, वहाँ तक कि इनकी या दूर दूर तक है इनका, और इनका अंडरग्राउंड, ये अंडरग्राउंड नीचे जाने का रास्ता जीना यहाँ से, इसके अंदर सब पैसा डाले मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइस पहले आप ये पढ़ो क्या लिखा, प्लीज़ डू नॉट थ्रो मनी कॉइन हेयर, और अब देखो कितने सारे पैसे गिरे हुए अंदर, पैसे 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 भाई हम भी को दे दो गाइस। देखो मतलब जहाँ, और गाइस पहले बात ये बता दो, मतलब जहाँ लिखा रहेगा ना कि ये चीज़ नहीं करना, वहाँ वो चीज़ ज़्यादा हो, कुछ ज़्यादा ही होगा गाइस। पहचानते हो ये हमारी मतलब खाला की बेटी है, बुशरा नाम है इसका, ये भी अभी आई है, कमेंट कर देना। और ये है जीना गाइस, मतलब सीढ़ी नीचे आने की अंदर अंडरग्राउंड महल में हमारे, तो गाइस तब अपन वीडियो बनाते तब इसने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लेना, यहाँ पे आई डी मैंशन हो जाएगी, उनको मिलता थोड़ी देर में। ये घास क्लीन हो रही है, जो ताजमहल के बिल्कुल सामने दिखाई दे रही घास काटने की मशीन, गाइस बिल्कुल एकदम क्लीन गाइस, देखो घास कट चुकी है येरी, और एक येरी, और ये बोरी में भी है, उधर भी है गाइस, ये सारी कट चुकी है, और इधर बाकी कटनी, देखो थोड़ी बहुत उठी हुई लाइन थे गाइस, देखो भाई गाइस देखो इतनी सारी घास कट के आई वापस, वो दोबारा जाएगी गाइस लाइन लाइन से, तो भाई इसलिए यहाँ पर एकदम नीट एंड क्लीन वर्क होता है, बिल्कुल वर्क इन प्रोग्रेस रहता है। दोबारा स्टार्ट हो गई, ऐसा लग रहा है धनिया पत्ता को काटते नहीं मशीन में हाथ से, तो वो वाला सीन लग रहा है इसमें भी। और अभी अपन जा रहे तरफ वो पानी हमारे तरफ खत्म हो गए, तो पानी लाने जा रहे हैं, इतनी बड़ी बोतल थी पूरी खत्म हो गई, तो चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम पूरा चल रहे हैं, घूम रहे फिर रहे अंदर मतलब बाहर अंदर बाहर, हम बहुत थक रहे, फोटो इधर वीडियो इधर बना रहे, तो अभी चल रहे हैं। ताजमहल के पास है, अब यकीन नहीं हो रहा कि हम ताजमहल आए हुए आज, रिकाय से हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि हम ताजमहल हैं, पता नहीं क्यों। हम जा रहे थे म्यूज़ियम जा रहे थे, तो गाइस जो कुआ वेल, पर मैंने देखा भाई साहब गाइस कितना ज़्यादा गहरा है, चेक करो गाइस, वो भाई साहब बस चेक करो भाई कितना ज़्यादा गहरा है गाइस, रियलिटी में जो सामने से देखे ना बंदा डर जाएगा, और ये भी कुछ होगा मतलब इसी का कुछ पार्ट होगा, और सामने गाइस शाइन कितना कर रहा है ताजमहल, तो गाइस क्या फिर वो तो रोशनी हो गई, धूप आ रही है और शाइन हो रहा है। और गाइस मेरा फेस मत देखना, दिखा दिया मैंने, बट जो नेचुरल है वो बता रहा हूँ, तो फेस धूप में ब्लैक हो रहा है, और एकदम शाइन करने लगा, तभी चलते हैं ये म्यूज़ियम है वन कुछ ताज म्यूज़ियम, देखते हैं एंट्री वेंट्री है या नहीं, और लिखा हुआ ताज म्यूज़ियम तो एंट्री शायद होगी या फिर बंद होगा, शायद मुझे लग रहा बंद है क्योंकि गेट जगह बंद है, चलते देखते अंदर क्या है, नहीं तो फिर अच्छी सी लोकेशन पर और के चलते हैं, या फिर चलते शायद अंदर चलते होगा गेट खुला हुआ, तो आओ, तो बहुत मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में, अमेजिंग ब्लॉग आने वाला है, पता नहीं ऐसा कोई याद कर रहा है मुझे, बार बार हिचकी आ रही है मेरे को, तो फिलहाल चलते हैं अंदर। टाइम कितना हो गया अभी तक, दो है म्यूज़ियम ताज म्यूज़ियम और वेस्टर्न, और ये समय लिखा 9 से 5 बजे तक, फ्राइडे क्लोज एंट्री फी, तो अभी चलते अपन अंदर, यहाँ देखो गाइस में पानी नहीं है, ये गाइस पूरा सूखा हुआ है, और सामने ताजमहल है, तो यहाँ पर अपन लेते हैं एंट्री ताज म्यूज़ियम में।
अंदर अंदर से आना बाहर, क्योंकि अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तभी मैं बाहर आया हूँ। अच्छे से हमने पूरा देख लिया कि कहाँ जाने और क्या क्या कब, और उनका मैप सब देख लिया गाइस हमने। और अंदर सोने का सिक्का भी था और सिल्वर भी था, हमने बहुत कुछ देखा म्यूजियम में, बहुत कुछ था अच्छा था। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना गाइस, पढ़ लेना। तो अभी चलते हैं और आगे, तो कुछ और आपको दिखाएंगे। निकल गए हैं ताजमहल से बाहर बिल्कुल, याले गेट से एंट्रेंस गेट ये है मैन, इसे पढ़ लेना गाइस, कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसके लिए बना ताजमहल, किसने बनवाया किसने नहीं बनाया। और गाइस यहाँ से अपन निकलते हैं बाहर, और बाहर का भी गाइस जो एकदम क्लीन एंड नाइस है, बाहर का भी बहुत क्लीन है। निकल गए ताजमहल से बाहर, अब चलते थोड़ा बाहर, बाहर का क्या देखते हैं क्या सीन है, मतलब बाहर क्या अच्छी अच्छी लोकेशन है। आगरा फोर्ट भी है, मॉल रोड भी है, मतलब बहुत तरह है, अकबर का मकबरा भी है, बहुत जगह है, देखते जहाँ टाइम मिले वहाँ निकल जाएंगे, क्योंकि हमारे आज शाम की ट्रेन भी है, तो इसीलिए सोचना पड़ेगा, तो टाइम देख लो। और ये देखो ये मैन एंट्रेंस गेट बाहर निकल गया, और आयान भाई ये रहा, हम लोग तो बहुत ज़्यादा थक गए पूरा घूमते घूमते, पूरा गोल गोल घूमे और बहुत ज़्यादा थक गए, क्योंकि धूप तो होने दी थी, बट फिर भी जो मौसम जैसे गर्म हो रहा, धूप नहीं हो रही थी, मौसम गर्म हो रहा, अभी मौसम छाया वाला है, ठंडा हो रहा है देखो। और बाहर का भी गाइस बहुत मस्त है देखो। और गाइस मेरा फ़ोन बिल्कुल ही चार्ज नहीं है, क्योंकि सुबह से मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ आपको पता ही है। और गाइस बिल्कुल कितना क्लीन है देखो, एक यहाँ पर मुझे एक कूड़ा भी नहीं दिख रहा है। चाहे गाइस यहाँ पर जैसे मैं आ रहा था, हम लोग जैसे स्टेशन से उतरे, ई रिक्शा पकड़े, ई रिक्शा से हम लोग आने लगे, तो ई रिक्शा से मैं आ रहा था ना, तो ई रिक्शा में एकदम क्लीन था, बिल्कुल ही क्लीन था गाइस। तो अभी फिलहाल चलते हैं यहाँ से बाहर, निकलते हैं बाहर, जिस हो गए आते हैं उसकी साइड हो गए एग्जिट का एरिया, तो एग्जिट करते हैं। फाइनली अपन इतने बजे एग्जिट हो रहे हैं, तो आओ चलो चलते हैं। अभी हम कुछ शॉपिंग कर रहे हैं अपने घर के लिए, देखो ये साथ जाके जो टाइल वाइल होते हैं ना, वो है लोटा है, जग है भाई जी, देखो सबसे बड़ा ताजमहल ये, सबसे छोटा वाला ये रहा। अभी हम कुछ शॉपिंग करते हैं, देखो गाइस प्लेट व्लेट है, हाथी सब सारा भाई जी, देखो गाइस ये लाइट वाला है, तो ये भी हमने देखा है, अभी ट्राई करा है जला के, इसमें गाइस तीन लाइट जलती है, इसमें एक लाइट जलती है, ये देखो ये विदाउट लाइट वाला है। तो गाइस ये देखो लाइट जल गई इसमें ताजमहल में, और गाइस यार मैं आपको वाला दिखाता हूँ, इसमें गाइस देखो ये बी वाले में नीली लाइट चल गई गाइस, ये ऐसा है। और हमारे साथ बुशरा भी बुशरा शॉपिंग, तो ये गाइस ये भी शॉपिंग कर रही है हमारे साथ, शॉपिंग तुम नहीं कर रही कुछ तो गाइस, इसमें ये सब है पुराने ज़माने के आइटम सब है सारी, ये देखो गाइस ये थोड़ा पत्थरे कप जो सब होता है, मतलब इतना मुझे मालूम नहीं है। और अभी यहाँ पर कुछ खाने पीने का शॉप भी है बाहर ही है, खाने पीने का कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक है, मिठाई उठाई है, बहुत तरह की आइटम है। और गाइस ये पेन देखो वाला, कमेंट कर जाता हूँ आपको गाइस क्या सबसे अच्छा लग रहा है यहाँ का, देखो गाइस हार वर सब है, ये भी है गाइस, ये ट्रॉफी भी है, शायद ये ट्रॉफी है, और वो ताजमहल, और फ्रेम व्रेम देखो प्लेट, अगर ये देखो टी शर्ट ताजमहल टी शर्ट। तो चलो गाइस कुछ शॉपिंग करते हैं, तो आपको मिलते हैं कहीं जाते हैं या नहीं जाते हैं, और वैसे सर दर्द हो रहा है हमारा, तो गाइस कहीं जाते हैं तो मिलते हैं आपको, नहीं जा रहे तो फिर देखते क्या है, वैसे सर दर्द बहुत ज़्यादा हो गया पूरा ताजमहल का चक्कर मार मारे घूम फिर के, तो नहीं होगा तो फिर अपन चलेंगे डायरेक्ट स्टेशन पर, तो चलते आज कुछ आगे करेंगे शॉपिंग मिलते हैं। आज ही मेरा बहुत मोटा खर्चा करवा रही है, बहुत खर्चा करवा रही है लड़की। तो अपन निकल रहे अपने घर के लिए दिल्ली के लिए, कि मैंने जैसे आपको कहा था कि रात की हमारी ट्रेन है, और थोड़ी ट्रेन लेट है वैसे, डेले वन आवर डेले ट्रेन, और अपना घर है स्यूट होम स्यूट, तो निकलते हैं यार, जितना भी हम चले जाए बाहर घूमने, बट अपने घर की फीलिंग अलग होती है। और अभी कितना प्यारा गाइस लग रहा है, चेक करो आगरा लिखा हुआ है, और देखो लाइटिंग क्या प्यारी सी लगी हुई है, चेक करो जो है आगरा कैंट, गाइस देखो गाइस फवारे, ओ भाई साहब
गाइस मतलब रियल में जो फील आ रहा है ना वो वाला अलग ही नेक्स्ट लेवल है, और ये तो और गजब ही है। और अपन यहाँ चलते हैं, कुछ चाय वाय पीते हैं यार। वैसे थोड़ा सर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, जरा मूड फ्रेश करते हैं, वैसे ट्रेन लेट है और ऐसे दिमाग ख़राब हो रहा है। ट्रेन हो चुकी है हमारी लेट, तो जरा मूड फ्रेश करते हैं, तो चलते हैं अभी। और ट्रेन आती है तो आपको डायरेक्ट दिखा दें, ट्रेन आती है तो ब्लॉग भी बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए ट्रेन आते आते मिलते हैं। हम अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, हमारी ट्रेन इतनी डेली है ना। देखो गाइस मैं आपको टाइम दिखा दूँ, टाइम पहले आप देखो, 8:10 बाकी है और ट्रेन का टाइम तो आने का 6:15, मतलब 2 घंटे ट्रेन लेट है। अभी 7:53 हो गई, 7:53 7 मिनट बाकी 8:00 और अब तक हमारी ट्रेन नहीं आएगा। हम इंतज़ार गाइस ट्रेन का कर रहे हैं, अब इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन, अब क्या सर भी कह सकते हैं, अब ट्रेन आने दो, तो फिर मिलता है वो ट्रेन के डायरेक्ट ट्रेन के साथ। आ गई 8:05 पे, ये देखो भाई सामने अपनी ट्रेन है। ओ भाई साहब, गाइस फाइनली आ गई, अब चलते ट्रेन के अंदर बैठते, मजा आने वाला है। तो गाइस वो भाई गाइस क्राउड कितना है गाइस चेक करो, ओ भाई गाइस पब्लिक देखो, पब्लिक हो भाई साहब। तो आपको डायरेक्ट ट्रेन में जाके मिलते हैं हम। तो गाइस फाइनली हमारी ट्रेन खुल चुकी है और पूरा अंधेरा हो गया गाइस, चेक सामने मोबाइल की गाइस, पूरा अंधेरा हो गया, हमारा ट्रेन खुल चुकी है देखो। और चलते हैं अब अपने डेस्टिनेशन पे, और जो नेक्स्ट स्टेशन है वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा मैं उतर के। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेशन पे, और चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में आगे आगे। ये फाइनली अपन उतर गए नई दिल्ली, और टाइम देखो गाइस रात के करेक्ट मतलब 12:00 अपनी ट्रेन ये रही, अब जा रहे अपने घर, मतलब अपने घर। तो आपको डायरेक्ट अपने घर जाके मिलते हैं कल सुबह, तो जो रात ज़्यादा हो गई है, और मतलब सही सलामत पहुँच गए, कुछ टेंशन की लेने वाली बात नहीं है। बट ये थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया है, जब 9:30 पहुँच जाते हैं, बट 10:30, 11:00, 12:00 3 घंटे लेट थे, मतलब 2 घंटे ट्रेन लेट थी। आप फाइनली पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर, तो आपको मिलते हैं घर जाके। गाइस अपनी हो चुकी है सुबह, तो मतलब रात में अपने को आते आते 12:30 हो गए थे, और अब गाइस अभी ब्रेकफास्ट करके जस्ट उठा हूँ, तो मैंने चाहे ब्लॉग अपने हमने एंड नहीं किया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और बताना कमेंट करके, मैंने कोई गलती तो नहीं की वीडियो दिखाने में। और मैंने आपको सारा चीज़ टूर करवाया वहाँ पर, कैसे टाइमिंग है, क्या टाइमिंग है, टिकट कितने का है, मतलब हर एक चीज़ टूर करवाया। और हमारा कम समय था, मतलब सुबह उतरे से मतलब 10:30 हम उतर गए थे, फिर वहाँ से हम निकल गए डायरेक्ट ताजमहल के लिए। और ताजमहल से हम निकले तो वहाँ पर हम पहले कुछ खाया हुआ है, फिर ताजमहल गए, फिर ताजमहल घूम के वापस निकल गए, क्योंकि हमें लगा कि हमारी ट्रेन थी, और ट्रेन के हमारी टिकट, हम जब स्टेशन पहुँचे देखा तब भाई हमारी ट्रेन 2 आवर कुछ लेट था, तो फिर हम थोड़ा स्टेशन में वेट किए, फिर ट्रेन आई, फिर हम आए। तो ये था, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक करके जाना, शेयर कर देना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।